चाललो रे सोडून. हेल्मेट चांगलं आहे मग घेतलं आहे कोणी शेवटी? घे घे तू पण घे. तुम पेट्रोल भरायचं ना? तुला पण कॅमेरा द्यायला पाहिजे रे, म्हणजे माझ्या व्हिडिओ आले असते रे बाईक वरती. अरे बाप रे, हे काय आहे? ऑफ रोडिंग. हिमालयनच पाहिजे. हिमालयन? अरे या रोडला काय हिमालयन चालेल तुझे? हा रोड बघ, 20 लोकेशन पे पोहोच गए लेकिन अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं दे रहे. गुड मॉर्निंग दोस्तों. पहले हम कवर निकालते बाइक पे से. बाइक तो बहुत गंदी हो चुकी है, दो हफ्ते से ऐसे ही पड़ी हुई है, धोना पड़ेगा. धूल देखो, आपको शायद नहीं दिखेगी बाइक पे लेकिन बहुत धूल है. ये देखो. ठीक है तो निकलते हैं. बहुत दिनों के बाद साउंड सुन रहा हूँ बाइक का. चाललो रवा सोडून चाललो आता. च्या गावात ओरडतील लोक ओरडतील. कुठे चाललेस? लास चल. दोस्त आने वाला है साथ में तो उसका थोड़ा वेट करते हैं. हाँ हेलमेट चांगला आहे मग घेतलं आहे कोणी शेवटी? घे घे तू पण घे. तुम पेट्रोल भरायचं ना? तो सुबह निकले आहे हम एक छोटी सी राइड पे. मैं और मेरा दोस्त राइड भी कर लेंगे और थोड़ा वीडियोस भी बनाना है तो एक अच्छी सी लोकेशन पे जा रहे हैं हम अभी. तो बहुत दिन हो चुके हैं, बाइक बिल्कुल भी नहीं निकाली बाहर क्योंकि अभी दिवाली पे जाने वाला था बाहर दोस्तों के साथ. कोल्हापुर जाने का प्लान था तो वो कैंसिल हो गया. मन ही नहीं किया फिर बाइक निकालने का. फिर छुट्टी कैंसिल करके जॉब पे निकल पड़ा मैं. क्या करें अभी, अच्छा खासा प्लान था लेकिन कुछ रीजंस के वजह से कैंसिल हो गया. सब तैयारी हो चुकी थी, एंड वक्त पे आखिरी दिन पे कैंसिल हो गया प्लान. अभी क्या ही बताएं, अबे आगे टंकी फुल कर लेते हैं हम अभी. ये हमारा हाथी भी बहुत दिनों से भूखा है तो उसका भी पेट भर लेते हैं अभी. ये नीचे तक भरना, नीचे का है ना वो. ये झाला काय तुझा? पुढे काय? पेट्रोल टंकी फुल कर दी हमने, ज़्यादा नहीं 500 का हो गया, पहले से ही था थोड़ा सा. सुबह निकले लेकिन ठंड बिल्कुल भी नहीं है बल्कि गर्मी लग रही है अभी. क्या
क्या है ये ठंडी के मौसम में कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी गर्मी भी लगती है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, प्लान कैंसिल हो गया हमारा, तो तब से मुड़ी चला गया। तो अभी 2 हफ्तों के बाद बाइक निकालने का मौका मिला है, ये भी कैसे तैसे प्लान बन गया, नहीं तो ये भी कैंसिल नहीं था। आज छुट्टी है मेरे को और दोस्त को भी, तो सोचा साथ में निकल दे। आज ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले हैं, तो इधर ही पास में ही जाने वाले हैं डैम पे, कोलाड़ के आगे ही थोड़ा है, तो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा फोटोशूट करेंगे, वीडियो निकालेंगे और वापस घर पे। अभी 8 बज रहे हैं, बिल्कुल भी ठंड नहीं है, नहीं तो नवंबर महीने में तो ठंड होती ही होती है हमारे यहाँ, तो होती है, बाकियों का पता नहीं। प्लान जब कैंसिल होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, क्या क्या सोचा था, कहाँ कहाँ घूमेंगे, बाइक राइड करेंगे, लेकिन क्या अभी देखते हैं, कुछ महीनों बाद तो बड़ा प्लान है। मजा आ रहा है, सोलो राइड पे जा सकता हूँ, लेकिन घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, तो कोई साथ में हो ना तो कुछ बात बन जाए, मेरी राइड भी हो जाएंगी, आपको व्लॉग्स भी मिलेंगे, देखते हैं अभी आगे कैसा होता है। प्लान तो करना है भाई लंबी राइड का। अभी कोलाड़ पहुंच गए हम, अभी थोड़ी ट्रैफिक मिलेगी, अभी थोड़ी आगे तक होगी। सुपर बाइक को भगाओगे नहीं ना तो मज़ा नहीं आता, और गर्म भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो थोड़ा सा तो भगाना पड़ता ही है। अभी ये किधर रह गया, बहुत ही पीछे रह गया क्या, इधर रुकता हूँ थोड़ा, थोड़ा रास्ता खराब है, बस इतना ही था। अभी देखते, दोस्त बोला है रोड अच्छा है, इधर का व्यू भी अच्छा है। 2 हफ्तों से मैं शॉर्ट्स वीडियो ही डाल रहा हूँ, अभी ये व्लॉग आएगा 2-3 दिन में आएगा ये। ये भाई, ये मेरा दोस्त भी बाइक अच्छी चला लेता है, उसका थोड़ा बाहर आना जाना रहता है ना बाइक में, तो राइडिंग एक्सपीरियंस उसका अच्छा है। हमारा भी राइडिंग स्किल बढ़ाना है अभी, तो जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे हम अभी लंबी राइड करने का प्लान सोचेंगे, ताकि आपको भी वीडियो देखने में मज़ा आए। नहीं तो हर बार सिटी राइड का कितना ही व्लॉग डालूँ मैं, कभी कभार ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि कभी कभी मुझे छुट्टी मिल जाती है लेकिन उसको नहीं मिल जाती दोस्त लोगों को, तो थोड़ा प्लान आगे पीछे हो जाता है और कैंसिल हो जाता है। तो अभी आगे का प्लान थोड़ा बैठ के फिक्स करते हैं, पक्का प्लान चाहिए, अभी आगे का प्लान ठीक तरह से करना होगा, कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो अभी थोड़ा राइड का मजा लो आप भी मेरे साथ।
दोस्तों जितने भी लोग वीडियो देखेंगे 10 हो 20 हो सब लाइक जरूर करना वीडियो को, क्योंकि जब वीडियो लाइक करोगे ना तो हमारी वीडियो थोड़ी आगे प्रमोट होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और जो भी नए लोग होंगे जो इस चैनल को विज़िट करेंगे तो प्लीज़ पुराने वीडियो भी देख लेना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में होगी, उस पर भी मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, वो भी चेकआउट कर लेना। डेली व्लॉग्स डाल सकता हूँ मैं, लेकिन उतना घूमना पड़ेगा। अभी देखो ना तो हफ्ते बाद जा रहा हूँ, कभी कभार ही होती है हमारी राइड, देखते हैं अभी आगे आगे होगा। बहुत दिनों से ऐसी राइड में मिस कर रहा था, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। हफ्ते में एक तो राइड तो होने ही चाहिए, मिनिमम एक तो होने ही चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा ना बाइक लेके। बाइक भी तो इसके लिए ही ली है ना, राइड के लिए। क्या अभी बताऊँ आपको, छोड़ो वो बातें, राइड का मजा लो। और किस किस को लगता है इस बाइक का साउंड अच्छा है, जिसको भी बाइक का साउंड अच्छा लगता हो वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। मेरी और मेरे दोस्त की छुट्टी भी एक ही दिन है साथ में, पहले नहीं थी लेकिन मैंने भी अभी एडजस्ट किया है। वो मेरा दोस्त है ना, उसकी छुट्टी और मेरी छुट्टी एक ही दिन भी है, तो कैसा साथ में जाने के लिए फिर दिक्कत ना हो, मुझे छुट्टी डालना पड़े अलग से, उसको भी टेंशन नहीं मेरे को भी टेंशन नहीं, फ्री में एडजस्ट हो जाएगा बिना छुट्टी गवाए। रोड तो अच्छा है काफ़ी, व्यू भी बहुत अच्छा है, आई होप आपको भी मज़ा आ रहा हो, बहुत ही अच्छा व्यू है। कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है राइडिंग का। जिनको बहुत बार राइडिंग करने का मौका मिलता है वो बहुत लकी लोग हैं, क्या फील होता होगा वो मुझे पता है अभी, जो अभी मैं फील कर रहा हूँ। हमने मिरर भी अभी ठीक करवा लिए है, लूज थे ना तो जुगाड़ करके थोड़ा फिट कर दिया उसको, आपको दिखेगा नहीं लेकिन एमसील से फिक्स कर दिया उसको दोनों साइड्स के। इधर थोड़ी थोड़ी ठंड है, थोड़ा अच्छा लग रहा है बाइक चलाते वक्त, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। थोड़ा आगे बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया हूँ, मैं बहुत पहले आ चुका था इधर तो एग्जैक्टली पता नहीं था कितना दूर है। पुण्याला गेलो असतो तिकडनं टर्न मारला असता तर तर मग तुला पण कॅमेरा द्यायला पाहिजे रे, म्हणजे माझे व्हिडिओ आले असते रे बाईक वरती, माझे व्हिडिओ आले असते हो बाईकच्या, मग द्यायला पाहिजे तुला। आता पुढच्या वेळेला असंच करू प्लॅन, तुला कॅमेरा लावून देतो हेल्मेटला। अभी गोप्रो की हमारी बॅटरी पहिली बॅटरी आहे और वीडियो मैंने कहाँ पर भी पॉज नहीं किया है, कंटिन्यूसली चालू है जब से घर से निकला हूँ, सिर्फ रुका था ना वहाँ पे पॉज किया था, बस तब से चालू ही है। 1080p करके रखा है तो थोड़ा ज़्यादा चलेगा और हीट भी नहीं होगा, थोड़ी ठंड है ना, नहीं तो हीट हो के अभी कब का बंद हो चुका होता। अभी ये थोड़ा गांव का एरिया आ चुका है तो थोड़ा धीरे ही चलाना होगा, इसे भी रास्ता थोड़ा ख़राब लग रहा है। उसने पूछा उनको, वो भी बहुत साल के बाद जा रहे हैं, उसको भी ठीक से पता नहीं। जैकेट पहनने वाला था लेकिन बैग में तो लाया है मैंने जैकेट, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी तो निकाल के रख दिया बैग में, सोचा थोड़ी ठंडी हवा ले लूँ बाइक पे, इतनी भी ज़्यादा कुछ ठंड नहीं है तो थोड़ा और मज़ा आएगा। अरे बाप रे, धूल मिट्टी उड़ाते जा रहे हैं ट्रक, जल्दी से आगे जाना होगा। रोड भी कितना छोटा है देखो,
आगे भी जाए तो कैसे जाए, बाप रे, ऑफ रोडिंग बाप रे। अब ठीक है, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हो रही है अभी इधर। मिट्टी पे फिसलने का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है, थोड़ी धीरे ही बाइक चलाते हैं। और बाप रे, ये क्या है, काम चालू है रास्ते का, इस पे कैसे जाए अभी आगे, बहुत ही रिस्की है। गलती से टायर वगैरह पंचर हो गया, इधर आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा है जहाँ पे टायर रिपेयर कर सकूं। बहुत ही भयानक अल्ट्रा प्रो मैक्स खराब रोड, आई होप ज़्यादा दूर तक ना हो भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो देखो वो भी रुक गया, अभी रुकते थोड़ा इधर। अरे किती लांब आहे, चल याला विचारायला पाहिजे, हा गेला स्कूटी वाला काका किती लांब आई शपश। टर्न आहे का नंतर काका, तिथून गाडी गेली रे, टर्न आहे का नंतर पुढे डॅम कुठे, त्या साईडला आहे ना, तिकडे आहे ना, मग तिकडे मला आता तेवढा आठवते की तेवढा टर्न मारलेला। अच्छा गावात ऑफ रोडिंग, हिमालयनच पाहिजे, हिमालयन, अरे या रोडला काय हिमालयन चालेल तुझे, हा रोड बघ। चल अभी इतनी दूर तक आई है तो जाते धीरे धीरे, अभी शायद थोड़ा ही दूर है तो इसलिए आगे जाते ही है, अभी क्या करें, इस पर रिटर्न तो नहीं जा सकते इतना दूर आके। अरे बाप रे, ये देखो खत्म हो गया, शायद खत्म हो गया, बस इतना ही था। तरी एकदा विचार, तरी एकदा विचार, मला तर डाऊट वाटतं इकडूनच। हे देखो भाई व्ह्यू देखो, बहुत सही, बहुत सही। लोगों का रिएक्शन इतना अच्छा होता है ना तो वो देखते बहुत खुशी होती है। लोकेशन पे तो पहुंच गए, बैटरी भी 38% है, अभी चल जाएगा, इस पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम इस लोकेशन पे पहुंच गए लेकिन अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं दे रहे, डैम पे पहुंच गए हम इधर लेकिन एंट्री नहीं दे रहे, तो बाहर से ही एक दो फोटो ले लिए, अब इधर से वापस जाना पड़ेगा, फोटोशूट करेंगे इधर आगे और वीडियो भी बनाना है तो वो बना के आगे चले जाएंगे आगे। अभी अभी देखते हैं, तुमको कुछ कहना है? नहीं। अरे बोलो ना, नहीं क्या, नहीं कहेंगे कब कहेंगे तो देखते हैं, अभी वीडियो बनाते हैं। और तो अभी हम निकल रहे हैं, फोटोशूट हो गया, सब हो गया, फोटो निकल के हो गए, अभी 11:30 होने को आए हैं, अभी निकल रहे हैं। बहुत गर्मी है, पूरे भीग चुके हैं हम, पसीना पसीना हो गया, अभी निकलते थोड़ी हवा लेते हैं बाइक पे, नज़ारा देखो। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, अभी थोड़ी दिक्कत आई थी ये रोड क्रॉस करने के बाद, आपको बताता हूँ क्या हुआ था। इस रोड पे अभी बात नहीं कर सकता, थोड़ा खराब रोड है ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, गियर डालते ही बाइक बंद हो रही थी,
चार पांच बार किया मैंने, शायद क्लच पैड का कुछ तो प्रॉब्लम है, वो दिखाना पड़ेगा। ऐसा दो बार हुआ है मेरे साथ, लेकिन बाइक धूप में रखते ही हो जाता है थोड़ी देर में। शायद क्लच पैड है ना चिपक जाता है थोड़ा, ऐसा एक मैकेनिक बोला है, थोड़ा धूप में रखने के बाद हो जाता है। लेकिन वो बाइक धोने के बाद हुआ था, अभी तो ऐसी ही बाइक थी खड़ी, धूप में ही थी। क्या पता क्या हो रहा है, दिखाना तो पड़ेगा ही, कहीं लंबी राइड पे जाए और ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खासकर कि यह बाइक के लिए। मैकेनिक भी अच्छा नहीं मिलेगा इस बाइक के लिए, देखने के लिए इसी राइड पे चले जाओ अचानक बीच सड़क में ऐसी दिक्कत आ गई तो। अभी किधर रुके तो रुक जाएंगे खाने के लिए थोड़ा सा, नहीं तो सीधा घर ही जाएंगे। अभी लंच का टाइम हो ही गया है, कितने बजे हैं, 12:15 बजे, जाते जाते 12:30 तो बज जाएंगे। रेलवे क्रॉसिंग लग चुकी थी इसलिए रुके थे थोड़े, अभी फिर से दिक्कत हो रही थी गियर डालते वक्त, गैरेज में दिखाना तो पड़ेगा ही, दिक्कत आ सकती है बाद में। रिएक्शन देखो, रेलवे क्रॉसिंग पे यही देख रहे थे बार बार, कोलाड आ गए हम फिर से। अभी ऐसे डिसाइड किया कि रुकना ही है, सीधा घर जाना है अभी। भाई साहब आज तो मज़ा ही आ गया बाइक चलाने में, बस अभी नहीं भगा सकता बस, और आगे भी राइड करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। मैंने अभी दूसरी बैटरी डाल दी है, जब निकला था ना तभी चेंज कर दिए, दो बैटरीज में काम हो गया। फिर भी पिछली वाली बैटरी पूरी ड्रेन नहीं हुई थी, अभी थोड़ी बाकी थी 10-15%। तो दोस्तों वीडियो आप खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय।